नमस्कार, आप लोगों को मेरे अगले वीडियो की प्रतीक्षा थी, तो आज फिर पुनः मैं हाजिर हो गया हूँ। और ये देख सकते हैं, ये मेरे बघेल जी हैं, ये मेरे साथ ट्रेनिंग सेंटर फायर सर्विस में हम दोनों लोग साथ नौकरी कर रहे थे। इस समय वर्तमान में मथुरा में पोस्टिंग है। ये हमको बुलाते थे कि शुक्ला जी आ जाओ, बांके बिहारी के दर्शन कर जाओ। और एक बार मैं गया तो एक कार्य की व्यस्तता के कारण हमसे इनकी मुलाकात नहीं हो पाई, और बुलाते बुलाते अगले पड़ाव पे चले गए। चूँकि नौकरी का पार्ट्स है ट्रांसफ़र का, तो ये इस समय इनका ट्रांसफ़र PTC मुरादाबाद हो गया है। और मोहब्बत थी तो हमसे मिलने ये मथुरा से सीधा उन्नाव आए हुए हैं मिलने के लिए। हाँ, और कुछ अपना भी मार्गदर्शन दें भाई साहब, आप तो मेरे कलेजे के टुकड़े हैं एक तरह के। अच्छा भाई साहब, सभी को नमस्कार। हाँ, ये याद आती है शुक्ला जी की, मिल नहीं पाए तो मथुरा से यहाँ चला आया। याद ही एक ऐसी चीज़ है, शुक्ला जी से विशेष लगाव रहा हमारा। कभी कभी याद इतनी आती है, टाइम मिलता नहीं है, तो आज मौका मिल गया तो चलो शुक्ला जी से मिले आए। काफ़ी लोग हम साथ साथ रहे थे ट्रेनिंग सेंटर में, यही सब यादें हैं। और क्या है प्रेम, क्या कहना चाह रहे हो तुम? सर कहते हैं कि आप तरक्की हो सर, बढ़िया काम का नाम हो, हमारे बड़े बाबू का हमेशा उन्नाव में कायम रखे, सब बढ़िया बढ़िया सब सब लाइक करें। ये प्रेम भाई हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ये हमारे सर बड़े बाबू हैं, ये हमारे हनुमान हैं। इनको किसी भी कार्य में अगर हम लगा देते हैं तो जब तक ये पूरी तरह कार्य नहीं कर लेते हैं तब तक इनको संतोष नहीं होता। बहुत ही अच्छे और कर्मठ और ईमानदार कर्मचारी हैं। और प्रेम कुमार इनको बोलते हैं, इस समय मेरे ऑफिस में ही RK का काम देख रहे हैं, दीवान जी हैं, बहुत बढ़िया इंसान हैं। और बघेल जी का तो कोई जोड़े नहीं, चाय आ रही है अभी, मगर बघेल जी को तब तक हम नमकीन खिलाते हैं। चाय बोल देते हैं, बैठो, चाय आ जाएगी, हमने बता दिया। बघेल जी नमकीन खा रहे हैं, ये तुम भी खाओ नमकीन। अरे चौधरी, अरे आ यार नमकीन खाओ तुम भी। तो यही तो शुक्ला जी का प्रेम है, यही सब यादें हम लोगों के दूसरे की बनी रहती हैं। और हमारे इष्ट मित्र जो भी जहाँ भी हों, भगवान उनको दीर्घायु रखें, स्वस्थ रखें, मैं यही कामना करता हूँ। मगर एक बात ये कहता हूँ कि ईर्ष्यालु व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। अगर आप खुले मन से, खुले विचार से कोई भी कार्य करते हैं, अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने परिवार, अपने समाज में रहते हैं, तो भगवान आपको देखते हैं, भगवान आपको सदैव सुखी रखेंगे। इसी के साथ अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से सबसे अनुरोध है। तो इसी तरह आपको नए नए हमारे जो भी वीडियो हैं आपको मिलते रहे और सारी समस्याओं का निदान हुआ। हम तो ये कहेंगे बांके बिहारी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। और भी हम केदारनाथ भगवान के दर्शन भी करने गए थे, तो सभी लोगों के लिए प्रार्थना मांगी थी। हर व्यक्ति अपने लिए मांगता, मैं तो सभी के लिए मांगता हूँ। जब सारे व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो हमारी उन लोगों की प्रार्थना लगेगी। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। पुनः एक बार आप लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।